Hi Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How are you guys are doing Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट लिब्रा. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस लिब्रा. लीब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की. देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर लीब्रा इन द मंथ ऑफ जून. अरे अरे अरे, इन द मंथ ऑफ जून 2024. ओके लेट्स कट द डेक. Current energies of your person, nine of wands, intention of your person, six of pentacles, future action of your person, nine of pentacles. Ooh. Ooh. Your energy, bah, chariot, and your and future of this whole connection, king of swords. Libra, are you kidding me? बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. द डेविल इन रिवर्स, वेरी नाइस. ब्लॉकेजेस हट रहे हैं लीब्रा आपकी लव लाइफ से. जोडियक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्ट्रॉन्ग कैंसर, सजिटेरियस एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं. डेविल इन रिवर्स, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग लीब्रा. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. एक तो देखो, क्लियर कट ये दिख रहा है कि आप दोनों हाईली प्रैक्टिकल लोग हो, बहुत हाईली प्रैक्टिकल. यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल. आप लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हो, जो हो मुंह पे हो वरना नहीं हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, झूठ बोलना, परेशान करना, ये करना, नो. सिंपल सॉर्टेड आउट लोग आप दोनों. मुझे दिख रहा है आप दोनों शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या तो आपकी या तो आपके पर्सन की. मुझे दिख रहा है आप दोनों की करियर जो है ना, करियर बहुत अच्छा दिख रहा है. करियर ग्राफ, करियर ग्रोथ आप दोनों का बहुत अच्छा दिख रहा है. इंडिविजुअली करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा. बहुत पैसे वाले हो आप दोनों. बहुत अच्छी इनकम है, फाइनेंशियली स्टेबल हो. क्वाइट नाइस करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. देखो आप खुद ही कार्ड देखो. ये पर्सन है, आपका पर्सन है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और स्ट्रेस में है. तो क्लियरली सिग्निफाइज कि आपका पर्सन बहुत स्ट्रेस में है अभी. बहुत इनका भी फोकस काम पे. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये ना, आई एम गेटिंग वन एनर्जी कि इनका प्रमोशन होने वाला है. इनका प्रमोशन ड्यू है एंड ये प्रमोशन को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करे. सी दिस दीज पेन्स, फर्स्ट टाइम मैं नोटिस कर रही हूँ, पेन च्यूड पेन है. जब बचपन में नहीं हम टेंशन में तो पेन चबाते थे, ये देखो च्यूड पेन है. तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है. मतलब ये बिल्कुल परेशान है, बहुत परेशान है. मुझे दिख रहा है ये प्रमोशन के वजह से, बहुत प्रमोशन, इनका प्रमोशन नहीं ड्यू हो पा रहा है. कहीं ना कहीं ये अपनी वर्थ प्रूफ कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ में. ये एनर्जी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं. लीब्रा, दे वॉन्ट कि आप इस पर्सन, इन पर्सन को बस सपोर्ट करो. ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते लीब्रा. एज ऑफ नाउ दे वॉन्ट समवन जो इनको एक इमोशनल मेंटल सपोर्ट करे. सेकेंडली, इनकी प्रायोरिटी अभी लव लाइफ नहीं, इनकी प्रायोरिटी सिर्फ अभी इनका काम है. और इनकी कहीं ना कहीं बहुत, ये बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनका फल, इनको इनका फल 7 से 9 हफ्ते के अंदर अंदर मिलेगा. इनका प्रमोशन, आई एम टेलिंग यू, इनका प्रमोशन 7 से 9 हफ्ते के अंदर अंदर होने वाला है. लाइक आई सेड, गवर्नमेंट जॉब, तो ये शायद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं. और ये एक ऐसा पर्सन चाहते हैं, ये आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि जो कि आप उन्हें बहुत एक इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ दोगे. दे नीड दैट इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ फ्रॉम यू राइट नाउ लीब्रा. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. ओके, टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, इंटेंशंस फॉर यू, यू नो व्हाट, एक चीज बताऊं, ये पर्सन आपको बहुत पैम्पर करना चाहता है. ये पर्सन आपको बहुत स्पॉइल करना चाहता है. बहुत ये पर्सन आपको, आई एम टेलिंग यू, आने वाले टाइम पे इतने गिफ्ट्स देगा, इतनी शॉपिंग कराएगा, बहुत. अरे ये पैसे खर्च करेंगे आपके ऊपर. आप भी करोगे और ये भी करेंगे. ये बहुत आपके बहुत पैम्परिंग करने वाले. एंड इंटेंशन में सी दे सी अ पोटेंशियल इन यू लिब्रा.
दे सी आपकी, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ एक फ्यूचर डेवलप किया जा सकता है। मेरे हिसाब से आप दोनों की थिंकिंग, आप दोनों के फैमिली वैल्यूज काफी ज्यादा सिमिलर है। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक अच्छा बैलेंस, ये देखो ये कमिटमेंट दे रहा है, आई एम टेलिंग यू, ये आने वाले सितंबर तक आप, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप निभाना चाहता है और उसको एक रिलेशनशिप में तब्दील करना चाहता है। इंटेंशन में देखो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है, इस पर्सन ने कभी आपसे झूठ नहीं बोला है, इस पर्सन ने कभी आपको धोखे नहीं दिए, ये पर्सन जो है ऑनेस्ट है, और इंटेंशन में दे रियली एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम यू। इंटेंशन में ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपको एक बैलेंस, एक अच्छा कनेक्शन, रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं। एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये आपको एक पावर मैन, एक पावर वुमेन समझते हैं, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लायक हो, दैट यू आर एक टक्कर का उनका, कि जैसे अगर आप, जैसे ये पर्सन कहीं जाएंगे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ बाय द वे, तो हाँ मेरी वाइफ या मेरी पार्टनर भी एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, आप दोनों का जो करियर है ना, करियर ग्राफ है, वो काफी एक जैसा है। आई एम गेटिंग एन एनर्जी, वही मैंने कहा कि आप दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, दोनों ही एडवोकेट्स, लॉयर्स, दोनों ही डॉक्टर्स हो सकते हो। सो कहीं ना कहीं दे सी अ पोटेंशियल इन यू, दे सी कि हाँ इस पर्सन के साथ, आपके साथ लीब्रा, एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक स्तर के हो, लिटरली शायद एक ही स्टेटस लेवल के हो, ये आपके स्टेटस से इंप्रेस्ड हो रहे हैं, या आप जैसे अपने लाइफ में अपने बहुत कुछ अचीव किया उससे इंप्रेस्ड हो रहे हैं, और आप भी इनके स्टेटस से, इनकी पावर से, इनकी जॉब से, इनके करियर से इंप्रेस्ड हो। ये वैसा नहीं है कि प्यार में पड़ गए, अट्रैक्शन हो गई, ये आप दोनों ने एक दूसरे का स्टेटस, एक दूसरे की लाइफ पहले ऑब्जर्व की है, एंड यू रियली लाइक इंटरैक्टिंग विद दिस पर्सन, इन्हें भी आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा था, तब आप दोनों एक कनेक्शन में आए हो, एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, व्हिच इज ब्यूटीफुल, व्हिच इज ओके। जरूरी नहीं है कि पहले प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, पहले आप चीजों को समझो, देखो, एंड तब एक रिलेशनशिप में आओ, व्हिच इज वेरी गुड। एंड इंटेंशन में दे रियली वांट टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू लिब्रा। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, आई एम टेलिंग यू, ये सेप्टेम्बर तक आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। पेंटिकल्स, अब जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, पेंटिकल्स रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी इन लाइफ, पेंटिकल्स रिप्रेजेंट मटीरियल ब्लिस इन लाइफ। ये पर्सन जो भी है ना, बहुत खुश रखेगा आपको, जो भी है सुखी रखेगा ये पर्सन आपको। और फ्यूचर एक्शन में आई एम टेलिंग यू, ये बहुत गिफ्ट देंगे आने वाले टाइम पे, गिफ्ट 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 मुझे दिख रहा है आने वाले फ्यूचर एक्शन में, ये आपकी एक एक डिमांड पूरी करेंगे, ये आपकी एक एक नीड पूरी करेंगे, आपको ये ओवरऑल हैप्पी रखेंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये आपको बहुत खुश रखने वाले हैं। एंड यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन लिब्रा, आई कैन सी दैट, एंड दे रियली लाइक योर ब्यूटी। तो आपके हुस्न के, आपके ब्यूटी के और ज्यादा दीवाने बनते हुए दिख रहे हैं। दे यू नो वट, दे नो योर वर्थ लीब्रा। एक चीज बताऊं, ये पर्सन आपकी वर्थ जानता है, ये पर्सन जानता है कि लीब्रा ऐसा ही नहीं है कोई, लीब्रा ऐसे नहीं है, लीब्रा एक अच्छा पर्सन, लीब्रा के अंदर एक दम है, एक पर्सनालिटी है, एंड आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन नोज योर ट्रू वर्थ, एंड दे विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व, दे विल गिव यू ऑल दैट लव, केयर, अटेंशन, एवरीथिंग। क्लेम करो ये रीडिंग भाई, क्लेम लिख दो। योर एनर्जी द चैरियट, या ब्यूटिफुल, या यू सी, जैसा मैंने यहाँ पे बोला, आप भी इस पर्सन को ऐसा पर्सन समझते हो कि हाँ इस पर्सन के साथ एक अच्छा फ्यूचर देखा जा सकता है, ये पर्सन करियर में अच्छा है, बोलचाल में अच्छे हैं, अच्छा व्यक्तित्व है इस पर्सन का, और कहीं ना कहीं आप चैरियट, और कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन है, कहीं ना कहीं आपका जो अंतर्मन है, वो गाइड कर रहा है कि इस पर्सन के लिए वेट किया जाए, इस पर्सन को वक्त दिया जाए, इस पर्सन के साथ एफर्ट्स किए जाए। यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ लीब्रा, आप अपनी दिल की सुनो, और मेरे हिसाब से आपका खुद का भी करियर बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले। अगर आप खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका भी गवर्नमेंट जॉब निकलते हुए दिख रहा है, एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप जैसे कॉन्फिडेंस हो, आप जो भी चीज़ करते हो, जो भी चीज़ बोलते हो, वो बहुत बहुत समझदारी के साथ करते हो, और जो आपकी समझदारी है ना, जैसी आपकी समझदारी है लाइफ को हैंडल करने की, ये पर्सन फिदा है। एंड यू लाइक दिस पर्सन, प्यार नहीं है बट आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो। यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी लीब्रा, प्राउड ऑफ यू। जो सबसे सबसे बड़ी गाइडेंस मैं आपको दूंगी लीब्रा, आप कॉन्फिडेंट रहो लाइफ में, कॉन्फिडेंट रहो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप की कभी ना डीवैल्यू मत करना लीब्रा, कभी अपने आप को नहीं कहना अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसे, मेरे अंदर कोई कमी है, ये है वो है, नो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो लीब्रा, दैट्स वन गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कमिंग फॉर यू। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन,
स्टेबिलिटी यार, ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है आपको, कमिटमेंट दे रहा है। आने वाले टाइम पे आप दोनों के बीच में मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़ते हुए दिख रही है। दिस पर्सन इज कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट। आप दोनों के बीच में लिटरली स्टेबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है। मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे आप लोग शायद एक दूसरे के फादर्स से या ब्रदर्स से मिलते हुए दिख रहे हो। वट आई एम सींग दैट आप दोनों जब बात करते हो ना तो बहुत बहुत अच्छी बातें करते हो आप लोग। बहुत आप दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। सो मेंटल कंपैटिबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही, कमिटमेंट दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कमिटमेंट, क्लियर एक्शन, क्लियर थॉट्स, क्लियर कम्युनिकेशन। लिटरली यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। और ये पर्सन आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। आई एम टेलिंग यू 6 से 9 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन की जैसे ही प्रॉब्लम इशू खत्म होगा ना, ये तुरंत आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। लीब्रा क्लेम कर दो लीब्रा ये रीडिंग, और बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।